हेलो गाइस आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड सेकेंड इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर टेन आर यू अ स्पाइडर क्या तुम एक स्पाइडर हो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे देन लेट्स वी स्टार्ट दिस चैप्टर विद स्टार्टिंग अ क्वेश्चन सी हियर स्टार्टर किट हियर इज गिवन स्टार्टर किट देखिए डियर स्टूडेंट यहाँ पे लिखा हुआ है नेम एन एनिमल इंसेक्ट वम और बर्ड दैट हैज एक क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे कि आपको नाम बताना है एनिमल है इंसेक्ट है वर्म है बर्ड है क्या है फर्स्ट नंबर है टू लेग टू लेग किसके होते हैं बर्ड के तो देखिए यहाँ पे आपको एक बर्ड दिख रहा है डी यू सी के डक डक के होते हैं टू लेग थर्ड नंबर वाली पिक्चर फिर देखिए सेकंड नंबर है फोर लैक्स फोर लेग्स किसके होते हैं एनिमल के यहाँ पे आपको गॉड दिख रही है लास्ट वाला पिक्चर ओके डियर थर्ड है लेग्स एंड फोर्थ है एट लेग और एट लेग्स किसके होते हैं इंसेक्ट के आपको यहाँ पे दिख रहा है एक तो ये आंट है और ये स्पाइडर आंट के है सिक्स लेग और स्पाइडर के है फोर लेग्स एंड लास्ट इज फाइव नो लेग्स बिना पैरों का बिना पैरों के कौन होते हैं वर्म्स लाइक अ स्नैक सी हियर हमें यहाँ दिखाई दे रहा है एक सांप, जिसके कोई लेग नहीं है इसके साथ ही हम ये चैप्टर आगे पढ़ते हैं नाउ गेट सेट अब आप सब तैयार हो जाइए इस चैप्टर को पढ़ने के लेटार्ट दिस चैप्टर यस सीमा सोनू एंड सोनिया वर फ्रेंड्स या फिर तीन फ्रेंड्स का नाम दिया गया है सीमा सोनू और सोनिया दे लिव्ड इन द सेम स्ट्रीट वो एक ही गली में ये सब रहते थे दे ऑलवेज लुक्ड फॉर वाम्स एंड बर्ग्स इन पार्क एंड गार्डन इन बच्चों का एक शौक था कि वो हमेशा वो वाम्स को ढूंढते रहते थे बर्ग्स को ढूंढते रहते थे चाहे वो गार्डन में हो या पार्क में हो वो हमेशा फाइंड करते थे देखो 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 ये वाम देखो देखो देखो, देखो ये बग वन डे दे टू सर्च फॉर अ स्पाइडर अब एक दिन उन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया चलो आज हम स्पाइडर को ढूँढेंगे स्पाइडर मतलब मकड़ी आज हम मकड़ी को ढूँढेंगे स्पाइडर को ढूँढेंगे दे स्टूड इन द पोर्च ऑफ सीमाज हाउस वे सभी सीमा के घर के पोर्च में खड़े थे तीनों फ्रेंड्स लेट्स गो एंड फाइंड ए स्पाइडर अब बच्चे वो खुश होकर के बोलते हैं सोन सीमा सोनू और सोनिया तीनों खुश होकर बोलते हैं। चलो 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 स्पाइडर ढूंढते हैं वी कैन लुक फॉर इट इन आवर गार्डन चलो हम सब अपने गार्डन में ढूंढते हैं स्पाइडर को अब बच्चों ने क्या किया वो सभी गार्डन में चले गए सो दे ऑल वेंट टू द गार्डन इसीलिए वे सभी गार्डन में चले गए इट वॉज एट द बैक ऑफ सीमा हाउस ये कहाँ था सीमा के घर के पीछे की तरफ था सीमा के घर के पीछे गार्डन था उस गार्डन में तीनों बच्चे चले गए इट वॉज ए लवली लिटिल गार्डन ये सच में एक बहुत ही प्यारा सा गार्डन था बट वी डोंट नो वॉट स्पाइडर लुक्स लाइक पर वो लोग नहीं जानते थे कि स्पाइडर दिखती कैसी है सेट सोनू सोनू ने कहा हमें तो पता ही नहीं कि स्पाइडर कैसी दिखती है क्या कहा सोनू ने हमें तो पता ही नहीं है कि स्पाइडर कैसी दिखती है वी डोंट नो हाउ बिग इट इज़ हमें तो ये भी नहीं पता है कि वो कितनी बड़ी होती है वी डोंट नो वॉट कलर इट इज़ हमें यह भी नहीं पता है कि उसका कलर कौन सा होता है हाउ शैल वी नो वन वी फाइंड वन हमें कैसे पता चलेगा हमें कैसे पता लगाएंगे कि ये स्पाइडर है अगर वो हमें वो मिल भी जाए तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये स्पाइडर है हाउ शैल वी नो वैन वी फाउंड फाइंड अगर वो मिल जाए तो हम कैसे पता लगाएंगे? द थ्री फ्रेंड्स सर्च ऑल ओवर द गार्डन अब उन तीनों दोस्तों ने पूरे गार्डन में ढूंढना शुरू कर दिया सीमा फाउंड समथिंग ऑन बुश सीमा ने झाड़ियों के बीच में ढूंढना चालू किया छोटे छोटे से प्लांट के बीच में आर यू स्पाइडर शी आस्ट अब यहाँ पे देखो आपको ये दिख रहा है यहाँ पे इंसेक्ट ये सीमा है और ये इस इंसेक्ट से पूछ रही है कि क्या तुम स्पाइडर हो तो देखो क्या बोल रहा है ये क्या आपको क्या दिख रहा है ये ग्रीन ग्रीन कलर का एनिमल ये है ग्रास हॉपर ये क्या है ग्रास होपर नो आई एम ग्रास होपर आई एम एन इंसेक्ट नहीं मैं तो ग्रास होपर हूँ मैं एक इंसेक्ट हूँ आंसर अब भी ग्रीन ग्रास ग्रास हॉपर इस ग्रास हॉपर ने आंसर दिया कि मैं तो इंसेक्ट हूँ मैं ग्रास हॉपर हूँ आई हैव सिक्स लेग्स मेरे छः पैर होते हैं अ स्पाइडर हैज़ एट लेग्स और स्पाइडर के आठ पैर होते हैं ठीक है और यहाँ पे एक स्पाइडर की अपनी डिफाइन मिल गई बच्चों को पता चला कि अच्छा जो भी इंसेक्ट मिलेगा उसके अगर आठ पैर होंगे तो हो सकता है कि वो स्पाइडर हो लेट्स वी गो अहेड। सोनू फाउंड समथिंग अंडर अ ड्राई लिफ अब देखिए पहले सो सीमा को मिला ग्रास ऊपर अब आई सोनू की बारी सोनू फाउंड समथिंग अंडर अ ड्राई लिफ ये देखिए इसके हाथ में एक ड्राई लीफ दिख रही है आपको इस ड्राई लीफ के नीचे उसे कुछ दिखा तो सोनू ने उस इंसेक्ट से पूछा आर यू स्पाइडर क्या तुम तो स्पाइडर हो तो उसने आंसर दिया नो आई एम एन आंट नहीं नहीं मैं तो एक चीटी हूँ आई एम एन इंसेक्ट मैं एक इंसेक्ट हूँ आंसर द टीनी टाइनी रेड आंट उस छोटी सी चीटी ने आंसर दिया कि मैं चीटी हूँ और मैं एक इंसेक्ट हूँ वाई बॉडी हैज थ्री पार्ट माई बॉडी हैज थ्री पार्ट्स

सोनिया ने रोज़ प्लांट गुलाब के पेड़ के पास कुछ देखा और उसने उससे पूछा कि क्या तुम स्पाइडर हो नो आई एम अ बटरफ्लाई मैं तो बटरफ्लाई हूँ आई एम एन इंसेक्ट मैं तो इंसेक्ट हूँ आंसर द प्रीटी ऑरेंज बटरफ्लाई वो जो प्रीटी ऑरेंज बटरफ्लाई थी उसने आंसर दिया कि नहीं nah, नहीं nah, मैं बटरफ्लाई हूँ मैं एक इंसेक्ट हूँ आई हैव विंग्स मेरे पंख होते हैं स्पाइडर डजेंट हैव विंग्स। स्पाइडर के विंग्स नहीं होते हैं देखिए यहाँ पे क्या क्या आइडेंटिफिकेशन मिली अपन को स्पाइडर uh, की फर्स्ट उसके एट लेग होते हैं सेकेंड स्पाइडर की आइडेंटिफिकेशन थी कि उसके बॉडी के थ्री पार्ट्स होते हैं और थर्ड स्पाइडर की आइडेंटिफिकेशन है कि उसके विंग्स नहीं होते हैं द थ्री चिल्ड्रन

तो उसने बोला लेकिन मुझे इतना पता है कि स्पाइडर के आठ पैर होते हैं आई टू डिडन फाइंड अ स्पाइडर सैड सोनू अब सोनू ने आंसर किया कि मुझे भी स्पाइडर नहीं मिला बट नाउ आई नो इट हैज टू बॉडी पार्ट्स परंतु मुझे अब पता है कि इसके बॉडी के टू पार्ट्स होते हैं आई टू डिडन फाइंड अ स्पाइडर मुझे भी स्पाइडर नहीं मिला किसने कहा सोनिया ने बट नाउ आई नो स्पाइडर हाँ, डजेंट पर मुझे इतना पता चल गया है कि स्पाइडर के पंख नहीं होते हैं ये देखिए ये तीनों बच्चे और ये दिखा इनको स्पाइडर ये मजा गया स्पाइडर दिख गया है अब देखिए देखिए ये बच्चे कितने खुश होकर के बोल रहे हैं ये रहा स्पाइडर जस्ट देन सीमा सो समथिंग नियर द रूफ इतने में ही सीमा को रूफ के पास दिखा वाह लुक ऑफ दी शेड ये सीमा है इन दोनों बच्चों को बोलती है देखो देखो इधर देखो सोनू एंड सोनिया सोनू और सोनिया ने भी उधर की तरफ देखा इन अ ऑफ द रूफ छत रूफ के कॉर्नर में दिखाई दिया दे सो अ शाइनी ब्लैक बॉडी हैंगिंग देयर उन्होंने देखा कि एक चमकती हुई ब्लैक बॉडी उस वेब के ऊपर लटक रही है वा मजे हो गए अब उन्हें पता चला कि कुछ तो है यहाँ पे अब उन्होंने फिर उनके उस जो इंसेक्ट दिख रहा है उन्हें उसे आइडेंटिफाई किया ये देखिए आपको भी यहाँ पे ये इंसेक्ट दिख रहा है यस इट हैड एट लेग्स देखो गिनो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वाओ इसके एट लेग्स है इट हैज़ टू बॉडी पार्ट्स वन एंड टू इसके बॉडी के भी टू ही पार्ट्स हैं इट हैड नो विंग्स इसके पंख भी नहीं हैं इट्स अ स्पाइडर ये क्या है स्पाइडर शाउटेड सीमा विद स्माइल सीमा खुश होकर के जोर से चिल्लाई वाह स्पाइडर मिल गया आई न्यू वी वुड फाइंड अ स्पाइडर मुझे पता है कि अब हमने स्पाइडर को ढूंढ ही लिया है बच्चों हमने ये चैप्टर पढ़ा और ये पढ़ के मुझे पक्का विश्वास है पूरा पूरा विश्वास है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया ये चैप्टर पूरा ही एक स्पाइडर के ऊपर है बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है कि उन्हें कुछ नया करना होता है ये तीन फ्रेंड्स थे ये हर जगह वॉर्म्स ढूंढते थे बग्स ढूंढते थे तो आज के दिन उन्होंने फाइनल किया था कि हमें हम ढूंढना है स्पाइडर फिर उन्होंने सभी इंसेक्ट से पूछा तो उन इंसेक्ट ने जो स्पाइडर उसकी आइडेंटिफिकेशन बताई और उस आइडेंटिफिकेशन के बेस पे उन्होंने स्पाइडर को ढूँढ लिया तो बच्चों ये क्रियोसिटी आप में भी होती है आप भी ये क्रियोसिटी अपने अंदर पैदा करो कुछ नया ढूँढो ढूंढ करके उसके ऊपर सर्च करो सर्च के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी टीचर है फ्रेंड्स है पेरेंट्स है यूट्यूब है इंटरनेट है इन सब चीज़ों से आपके अंदर जो क्रियोसिटी होती है वो पूरी कर सकते हो जो चाहते हो वो ढूंढ सकते हो और उसकी लिस्ट बनाओ एक स्क्रैप बुक बनाओ जिसके अंदर आप जो जो ढूंढते हो उसके बारे में पूरी लिस्ट बनाओ ओके डियर स्टूडेंट अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट चैप्टर में तब तक के लिए आप इस चैप्टर को पढ़िए समझिए और समझ करके अपने पेरेंट्स को भी इसका ट्रांसलेशन करके सुनाइए अपने फ्रेंड्स को भी सुनाइए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ओके okay, सी यू सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेटा इस चैनल को